चलिए, क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू जी, काम अच्छा किया है। ऐसा बहुत बार हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ। ऐसा बहुत बार हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। थैंक्स भी कहेंगे। महिंद्रा से भाई तीन आदमी आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को ना समझ नहीं आ रहा है। दो गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक चाचा है अपने इस साइड। तो भाई अपने जो सर्विस एडवाइजर है ना, उन्हें प्रॉब्लम है कैमरा में आने से। बोल रहे कि मेरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। हेलो भाई, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो अभी जस्ट भाई सर्विस करा कर निकले थे इस महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस को। मतलब ज़्यादा दूर है भी नहीं सर्विस सेंटर, बस यही आगे साइड लेफ्ट साइड गया हुआ है गाड़ी। भाई अपना स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट दिखाते हैं। जैसे कि ये देखो, चाबी कहाँ है भाई? चाबी, हालांकि वही सेम प्रॉब्लम ना शोरूम में भी आ रहा था। मतलब शोरूम वाले वहाँ पर भी ये चीज़ देखे, थोड़ा देर गाड़ी को वो ऑन रह करके छोड़ दिए। 20-25 मिनट लगभग गाड़ी ऑन रखा, लेकिन प्रॉब्लम जो है फिर से अभी वही सेम चीज़ आने लगा। यहाँ पर उन्होंने लगाया था कुछ मशीन, देखो स्टार्ट होता है या नहीं, देख रहे हो। कॉल करते हैं भाई, अभी जस्ट एकदम 2 मिनट भी नहीं हुआ यहाँ पर आए हुए, प्रॉब्लम आने लगी अपने इस गाड़ी में। क्या सर्विस करते हैं महिंद्रा वाले। लाओ अब कॉल करते हैं। कॉल कर रहे हैं अभी यहाँ किरण महिंद्रा जो है, जहाँ से अपने को कॉल आया था। हेलो, हाँ नमस्कार। ये बोल रहे थे कि अभी गाड़ी सर्विस करा करके आए हैं, जस्ट निकले ही हैं अभी आपके यहीं रोड ही पर है, मेन रोड पर कुम्हरार वाले। गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी में आर एस ए करवाए हुए हैं सर? आर एस ए, आर एस ए पता नहीं लिया हुआ है या नहीं, वो तो कंफर्म होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी तुरंत जस्ट कराए हैं, आप पहचान रही है नहीं पहचान रही है, आपके सोही रूम में ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो 20-25 मिनट गाड़ी ऑन रखे। सर्विस एडवाइजर को ठीक। तो भाई वापस फिर से पैदल चलते हुए पहुंच गए यहाँ, बोले ना एकदम पास में था सर्विस सेंटर। मतलब ये दिन देखना पड़ रहा है, गाड़ी छोड़ करके आए हैं। देखते हैं जो है प्रीतम भाई अपने, उनसे बात करते हैं। बस यहाँ पहुँचे हैं यू टर्न ले करके, बोले ना लगवाना था एक्सेसरी अपने को उसमें, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ तो 20-25 मिनट चालू रखे तो बाहर में गाड़ी, लेकिन कहाँ हुआ। किसी को देखिए या तो कोई है अगर भेजिए, कोई स्टाफ है कुछ। वो लेकर के जाए या फिर आप ये कीजिए। गलत बात क्या है, हम अपना। तो भाई अपने जो सर्विस एडवाइजर है ना, उन्हें प्रॉब्लम है कैमरा में आने से। बोल रहे कि मेरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। अब मेरा गाड़ी रोड के उस साइड है। अरे कार एसेसरी का दुकान है ना, वहीं हम गए बम्पर वम्पर लगवाने के लिए, वहाँ लगाए हैं। उसके बाद वो गाड़ी घुमाने के लिए आगे पीछे कर रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है। वही सेम दिक्कत, यहाँ पर लगा हुआ गाड़ी खड़ा था आधा घंटा, इंजन नहीं, थ्रोटल में। बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, DEF वहाँ पे वार्निंग आ रहा है। तो आप लोग ना समझ, DEF का लाइट आ रहा था क्या आ रहा था वो लोग ना समझे भाई। स्टार्ट नहीं ना यहाँ पर, वहीं पर दिक्कत हुआ, अंदर ही में स्टार्ट नहीं हुआ समझे। फिर पता नहीं स्टार्ट हुआ, फिर बोले कि 25 मिनट उसका जो है नीचे साइड में क्या बोलता है, हाँ वो कोर्ड को निकाल के कुछ लगाए मशीन, बोले कि 25 मिनट चालू रहने दीजिए। देख रहे मतलब, अरे मेरा काम है भाई वीडियो बनाना, सबका अपना अपना काम है। ये सेल्समैन है, इनका काम है या सर्विस एडवाइजर है। महिंद्रा से भाई तीन आदमी आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को ना समझ नहीं आ रहा है। दो गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक चाचा है अपने इस साइड, एक और आ रहा है, भेजा है किसी को पता नहीं। लैपटॉप ये सारा चीज़ लेके लैपटॉप पर चेक करेगा।
असल जो शायद दिक्कत है ना, वो वॉश किया है, लेकिन इंजन में तो पानी मारा है नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ से फॉल्ट आ रहा है वो तो अब यही लोग बताएंगे ना। टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, 6:33, घर भी लौटना है, मतलब ना जतरा ख़राब है। सोचा जितना जल्दी से जल्दी निकल जाएं, यहाँ लेट पर लेट होते चला गया। यही भाई आए हैं रेड वाले जो पहने हुए हैं, लैपटॉप लेकर के तो नहीं आए, लेकिन देख रहे केबल लेकर के आए तार। कन्फ्यूज हो जा भाई, अभी कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि साला हुआ क्या है इसको। दोनों तरफ काम लगा हुआ है, इधर जो गाड़ी अपना स्टार्ट नहीं हो रहा है वो दिक्कत, और दूसरा इसमें भाई एसेसरी भी लग रहा है, सारे लोग लगे भिड़े हैं। तो अब भाई इसका जो है मेन औजार सारा सिस्टम वो आ गया है, अब हो सके इजीली पता चल जाए। यहाँ से कनेक्ट किया गया है बस भाई, गाड़ी सही हो जाए, क्योंकि रात में हम लोग को निकलना भी है पटना से बाढ़ के लिए, वो भी फैमिली के साथ, समझ रहे ना प्रॉब्लम। तो जड़ है भाई, पानी ही जड़ है, इंजन तो अब उन लोग मारे या नहीं मारे भाई, अब उन लोग के ऊपर रहता है ना। वहीं साइड जो है ना पानी चला गया है, इस वजह से दिक्कत आ रहा है, कुछ सेंसर या सारा चीज लगा हुआ है। अब देखो भाई चेक किया जा रहा है, स्टार्ट करके हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हाँ हो गया ना, होगा नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू जी, काम अच्छा किए हैं। ऐसा बहुत बार हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ, ऐसा बहुत बार हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। थैंक्स भी कहेंगे वहाँ, क्या नाम था पता नहीं, जो ये करते वो घुसा रहे हैं। अरे आज क्या नाम था आपका? प्रीतम वो हल्ला करने लगे, हम बोले अरे भाई अच्छा काम किया, अभी अच्छा किया, इनको हम कह रहे हैं कि पीठ थपथपाएंगे कि हाँ भाई। हार गाड़ी भाई, नया गाड़ी, उसका लॉक हो गया था, वो नहीं खुल रहा था, जाके डेरा पे खोले थे, तब हो गया। अब बड़ाई है, अच्छा किया, अच्छा बोलेंगे बुरा किया बुरा। मीडिया पे डाल देंगे आप चेहरे पे फोटो। नहीं, इनका अपना दुकान, बाबा का ढाबा कितना फेमस हो गया, चश्मा ला। चलो भाई, फाइनली जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, इसको कहते क्या है जो आप जिसमें हवा मारे? ईसीयू। अच्छा, वहीं से दिक्कत आ रहा था, है ना, पानी हो सके हल्का चला गया होगा। तो ओ, पूरा मतलब टीम पहुंच गए हैं, महिंद्रा के 1, 2, 3 और एक चाचा थे, चाचा चले गए हैं ना, चाचा गए तो बच्चा है ना। चलो, तो फाइनली भाई प्रॉब्लम जो है वो हो गया सॉल्व। फिर रास्ते उस्ते में हुआ था, धोने वाले को मतलब ये कर दीजिए, एक बार बंद करके इसको चालू करें क्या? क्लच लेना होगा ना। अच्छा, हो गया। हाँ, बहुत काम का चीज है ये सिस्टम। तो चलिए भाई, फाइनली जो है अपना हो गया ना काम, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक भाई ड्राइव से बी से हमारा ऐसा प्रॉब्लम आए तो समझ जाओ, हो सके आपके साथ भी यही हो, सेम चीज़ सेम प्रोसेस करके देख लेना, हो सकता है आपका भी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। अरे इस लड़के को भाई डर लग रहा था कि पहुंच पाएंगे घर, नहीं पहुंच पाएंगे, डर तो इसका हालत ख़राब था। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत जो एसेसरी का काम है वो करा लेते हैं,
डोर वाइजर तो लग ही गया, फ्रंट ग्रिल लग गया। चलिए